everybody, I am PL Nareda, assistant professor, government college, Canvas, and today I will teach you Growing Up, a short story by Joyce Carey. Growing up का मतलब होता है बड़ा होना. बड़े होने पर क्या क्या जिम्मेदारी हमारे सामने आती है, बच्चे किस तरह से बड़ा होने पर बिहेव करते हैं और उनमें क्या बदलाव आ जाते हैं, इन्हीं बातों पर ये कहानी लिखी है जोयसी कैरी ने. ये स्टोरी बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में सम्मिलित की गई है और इसे शॉर्ट स्टोरी के रूप में जाना जाता है. साथ ही ये और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली स्टोरी है, इसलिए आप सब इसको इस वीडियो को ध्यान से देखिए. ग्रोविंग अप, बड़ा होना, बाय जोयसी कैरी. Growing Up is a short story written by Joyce Carey. Growing Up एक short story है, Joyce Carey ने इसको लिखा है. He was born in 1888 and died in 1957. 1888 से 1957 तक उसका कार्यकाल रहा. Joyce Carey was a famous positive writer of the 20th century. ये 20वीं शताब्दी के सकारात्मक भाव से लिखने वाले लेखक हैं, यानी इनकी कहानियों में नेगेटिविटी नहीं. खूब सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखे और उनमें से एक है ग्रोविंग अप. इट इज अ पॉजिटिव स्टोरी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. मनुष्य जब डेवलपमेंट की ओर होता है, विकास की ओर होता है, तो कैसे उसके अंदर बदलाव आते हैं, इनके बारे में ये कहानी हमें पॉजिटिव बताती है. मोस्ट फेमस नॉवल्स आर आयशा सेव्ड इन 1932. आयशा सेव्ड उसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है. एन अमेरिकन विजिटर, दूसरा अमेरिकन विजिटर है जो 1933 में लिखा. एन अमेरिकन विजिटर, द अफ्रीकन विच, अफ्रीकन चुड़ैल जो उन्होंने 1936 में लिखा. देर आर सम इम्पोर्टेंट करेक्टर्स इन द स्टोरी. इस कहानी में कौन महत्वपूर्ण पात्र हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे. इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो है रॉबर्ट किक, जो पिताजी हैं, फादर, 52 ईयर्स, ये 52 साल के हैं. जेनी डॉटर, कैट डॉटर, ये दो इसके डॉटर्स हैं. क्यूक जो है उसकी पत्नी भी है, मिसेस क्यूक. यहाँ पे मिसेस क्यूक है जो मेंबर ऑफ वेलफेयर सोसाइटी की मेंबर है. और एक है जेनी मार्टिन, फ्रेंड ऑफ मिसेस क्यूक. मिसेस क्यूक की एक मित्र भी है जिसका नाम है जॉन मार्टिन. अब हम देखते हैं कि कहानी का विकास किस तरह से होता है. The story revolves around the theme of the growing up. कहानी जो है चारों तरफ घूमती है, इसका जो थीम है उसके चारों तरफ. रिवॉल्व का मतलब होता है चारों तरफ घूमती है. थीम, और थीम क्या है? ग्रोविंग अप, बड़े होने पर. यानी मनुष्य जब बड़ा होता है तो उसका व्यवहार किस तरह से बदल जाता है, इसी के चारों तरफ कहानी घूमती रहती है. अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द टीनेज गर्ल्स कैच एंड जेनी, द स्टोरी ऑल्सो फोकस ऑन द इमोशनल ग्रोविंग अप ऑफ मिडिल एज्ड फादर रॉबर्ट क्यूक, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. अपार्ट फ्रॉम का मतलब है अलग. फिजिकल ग्रोथ मतलब शारीरिक ग्रोथ से अलग, यानी शारीरिक विकास के अलावा. ऑफ द टीनेज गर्ल्स, टीनेज लड़कियां. टीनेज का मतलब होता है जो जिनकी एज 13 से लेकर 18 के बीच में होती है, उसको टीन एज कहा जाता है. इसमें दो लड़कियां हैं जिनकी जो टीनेजर है, उनका नाम है केट और जेनी. यानी उनकी शारीरिक भावनाओं के विकास पे देयर मिडिल एज्ड फादर, उनके पिताजी की. लड़कियां शारीरिक रूप से बड़ी हो रही है
और उनके पिताजी जो है इमोशनल रूप से बड़े हो रहे हैं। उनके पिताजी कौन? रॉबर्ट क्यूक, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि इस कहानी के हीरो है। लेखक ये कह रहा है कि न केवल जेनी और केट का शारीरिक विकास बल्कि रॉबर्ट क्यूक जो हीरो है उसका मानसिक विकास भी इस कहानी में बताया है। वो किस तरह से सोचता है ये भी बताया है। द स्टोरी हैविंग अ सिंपल आउटलाइन बिगिंस विद रॉबर्ट रिटर्निंग होम फ्रॉम ए बिजनेस ट्रिप फॉर द वीकेंड। द स्टोरी हैविंग अ सिंपल आउटलाइन, कहानी में सिंपल आउटलाइन है और कहानी शुरू होती है विद रॉबर्ट रिटर्न होम फ्रॉम ए बिजनेस ट्रिप। रॉबर्ट क्यूक जो है एक बिजनेस ट्रिप से यानी बिजनेस की यात्रा से, व्यापारिक यात्रा से घर पे लौटता है। ट्रिप का मतलब होता है छोटी यात्रा, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। वहाँ से वह वीक एंड में घर लौटता है। वीक एंड मतलब सप्ताह के अंत में। ही फाइंड्स अ नोट फ्रॉम हिज वाइफ। जब वो घर पहुँचता है तो उसको एक नोट मिलता है घर पे, उसकी पत्नी के द्वारा ये नोट उसको दिया गया था। एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में क्या लिखा है, फाइंड्स अ नोट फ्रॉम हिज वाइफ दैट द टू गर्ल्स केट एंड जेनी देयर डॉटर्स वर इन द गार्डन एंड दैट सी वुड बी बैक बाय 4। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि उनकी दो बेटियां जेनी और केट जो है कि आपकी दोनों पुत्रियां घर पे ही है, गार्डन में खेल रही है और मैं 4 बजे तक लौट आऊंगी। ही एक्सपेक्ट्स अ वार्म वेलकम फ्रॉम द गर्ल्स। जब पिताजी घर लौटते हैं तो उनको ये उम्मीद थी कि दोनों लड़कियां जो उनकी पुत्रियां हैं वो उसका अच्छे से वेलकम करेगी, स्वागत करेगी। यहाँ पे कहानी की लाइनों को कोट किया है, ही हैड होप्ड इंडीड दैट दे माइट एज ऑफन बिफोर हैव बीन वेटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रोड टू फ्लैग द कार एंड ड्राइव होम विद हिम। बहुत ही शानदार शब्दों में यहाँ पे बताया है, ही हैड होप्ड, उसको उम्मीद थी वास्तव में कि वे दोनों लड़कियाँ जो है इंतज़ार कर रही होंगी कॉर्नर पे, रोड के कॉर्नर पे जहाँ से उनका घर स्टार्ट होता है उस रोड पे आ गई होगी और फिर वे उसके साथ कार में बैठ के जाएगी, ड्राइव होम विद हिम, उसके साथ कार में बैठ के जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द ऑथर गिव्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्यूक्स गार्डन विच सीम्ड टू बी अ वाइल्डरनेस। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो लेखक ने वहाँ गार्डन का वर्णन किया है। द ऑथर गिव्स ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्यूक्स गार्डन, एक संक्षिप्त वर्णन किया है, विच सीम्ड टू बी वाइल्डरनेस, जो जंगली लग रहा था। द एक्सक्यूज फॉर द नेग्लेक्ट वॉज दैट द गार्डन बिलोंग टू द चिल्ड्रन। उस गार्डन की स्थिति के बारे में यहाँ पे बहाना बनाया जाता है, गार्डन की ऐसी स्थिति क्यों है। लेखक ने लिखा है कि जो जबकि सच्चाई ये है कि ना तो मिस्टर क्यूक और ना मिसेज क्यूक उस गार्डन की केयर करते हैं, इसलिए गार्डन की स्थिति बहुत बुरी हो रही है, जंगल की तरह हो रही है। ही वेंट टू द गार्डन टू फाइंड हिज टू लिटिल गर्ल्स लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। जब वो गार्डन में जाता है तो वहाँ पे उसकी दोनों बेटियाँ थी और वे दोनों अपने ही संसार में खोई हुई थी, अपनी ही मस्ती में खोई हुई थी। क्यूक ग्रीटेड देम बट गॉट नो रेस्पॉन्स। क्यूक उन दोनों को अभिवादन करता है, हेलो जेनी, हेलो केट, इस तरह से बोलता है, लेकिन वो दोनों कोई रिप्लाई नहीं देती है। क्यूक ग्रीटेड देम बट गॉट नो रेस्पॉन्स एंड फॉर ए मोमेंट ही थॉट दैट दे मे हैव मिस्ड हिम। और एक पल के लिए वो सोचता है कि शायद वो उसको मिस कर रही होगी, इसलिए नाराज हो गई होगी और इसलिए रिप्लाई भी नहीं दे रही होगी। फर्स्ट ही कॉट द साइट ऑफ जेनी, सबसे पहले वो जेनी को देखता है। 12 ईयर्स ओल्ड द यंगर गर्ल, 12 साल की लड़की थी जो कि छोटी थी। लाइंग ऑन हर स्टोमेक, जो पेट के बल लेटी हुई थी,
बाय द पॉन्ड विद ए बुक अंडर हर नॉज। उस तालाब के पास जो उस गार्डन में छोटा सा तालाब था, वहाँ पे जेनी जो छोटी थी वो पेट के बल उल्टी लेटी हुई थी और किताब उसने अपने नाक के पास रख रखी थी। ऐसा लग रहा था जिससे वो पढ़ रही हो। देन ही शा कैट, फिर उसने अब केट को देखा जो कि बड़ी बेटी है, सिटिंग विद एन एयर ऑफ लेजीनेस एंड कंसंट्रेशन, जो सुस्ती के मूड में बैठी हुई है। लेजीनेस मतलब सुस्ती के मूड में बैठी है। विद हर हेड डाउन अपेरेंटली इन डीप थॉट, फिर उसने केट को देखा जो सुस्ती के मूड में बैठी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो चिंतन कर रही है। ऑन अ स्विंग, स्विंग मतलब झूले पे बैठी हुई है, लीनिंग साइडवेज एक बगल में लटकी हुई है झूले पे, अगेंस्ट रोप रस्सी को पकड़ करके। विद हर हेड डाउन, उसका सिर झुका हुआ है, अपेरेंटली इन डीप थॉट, और ऐसा लग रहा है कि ये भी गहरे विचारों में खोई हुई है। सी रिप्लाइड इन ए फेंट मफल्ड वॉइस टू हर फादर्स कॉलिंग, ये जो बड़ी वाली बेटी है ये उसके पिताजी की आवाज़ का उत्तर देती है। सी रिप्लाइड इन ए फेंट मफल्ड वॉइस, मफल्ड वॉइस मतलब हल्की सी आवाज़ में वो अपने पिताजी के उत्तर बात का जवाब देती है। कॉलिंग, बैरली लुकिंग एट हिम, लेकिन वो उनकी तरफ देखती नहीं है, बस ऐसे दूर से उत्तर देती है, हाँ क्या हुआ पापा, इस तरह से बोलती है। हिज डॉटर्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम सो ही बिगिन टू रीड द मॉर्निंग पेपर, उसकी दोनों बेटियों ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए उसने सोचा कि मैं कोई दूसरा काम करता हूँ, और उसने मॉर्निंग पेपर पढ़ना शुरू किया। ही जनरली बिलीव्ड दैट हिज डॉटर्स वर नेचुरली इंपल्सिव एंड अफेक्शनेट, क्योंकि मिस्टर क्यूक जो है वो अपनी बेटियों के बारे में सोचता था, सामान्य रूप से यही सोचता था कि वे आक्रामक है, इम्पल्सिव है और अफेक्शनेट है और स्नेही भी है। एंड वुड ग्रो अप बी एक्साइटिंग वुमेन, और जब वो बड़ी होंगी तो एक्साइटिंग वुमेन बनेगी, एक्साइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक। आफ्टर वाइल कैट प्ले पुलिस कॉल्ड इट्स नॉट देयर बीच फॉर डिस्टर्बिंग हर, थोड़ी देर बाद क्या डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि वो कुत्ती, इसलिए जो केट है बड़ी वाली बेटी वो उस कुत्ती को बुरी तरह से डांटती है। फादर बिटन, यहाँ पे एक टाइटल दिया है फादर बिटन, पिताजी की पिटाई हो जाती है। कैसे हो जाती है? द फादर सिट्स इन ए चेयर, पिताजी चेयर पे बैठे हैं। द बिच नॉट इज डिस्टर्बिंग कैट, कुत्ती जो डिस्टर्ब कर रही थी केट को। जेनी थ्रोज बम्बू एट इट, जेनी जो छोटी लड़की है वो कुत्ती की ओर बम्बू फेंकती है, बम्बू मतलब बांस फेंकती है। द फादर शाउट, पिताजी चिल्लाते हैं डू नॉट डू दैट, हे जेनी ऐसा मत करो। द डॉटर बिकम्स एंग्री, और वह छोटी लड़की नाराज हो जाती है। दे जम्प अपॉन हिम एंड बीट हिम, दोनों लड़कियां अपने पिताजी के ऊपर टूट पड़ती है और उनको बुरी तरह से पीटती है। द बिच वाउंड्स हिम, कुत्ती भी उनको देख करके उसके पिताजी पे टूट पड़ती है। ऑल फेल डाउन, सबके सब गिर जाते हैं। द गर्ल्स फील सिंपैथी फॉर हिम, दोनों लड़कियां जो है उसके पिताजी के लिए सिंपैथी महसूस करती है। सिंपैथी सहानुभूति, पहले उनको घायल करती है फिर सहानुभूति महसूस करती है। केट सेज टू फादर सिट डाउन, केट जो बड़ी वाली बेटी है वो कहती है पिताजी बैठ जाओ। सी अप्लाइज आयोडीन ऑन द वाउंड, वो घाव उसके पिताजी के हो जाता है और उसके ऊपर आयोडीन लगाती है। सी प्लास्टर द वाउंड, और वह घाव के ऊपर प्लास्टर भी बांध देती है। दिस इज़ मेडिकल एंड मैटरनल वर्क, ये मेडिकल और मैटरनल वर्क था। द फादर थिंक्स, पिताजी सोचते हैं दैट द डॉटर्स ग्रोविंग अप, कि लड़कियाँ जो है बढ़ रही है। ये सारी घटनाएं दिन की है। फिर शाम को क्या होता है, पार्टी होती है। जेनी मार्टिन इज ऑल्सो देयर, उसकी माँ की जो फ्रेंड है जेनी मार्टिन वो भी आ जाती है। द डॉटर वर सूटेबल क्लॉथ्स, उन लड़कियों ने बहुत सुंदर कपड़े पहने, केट और जेनी ने,
दे बिहेव जेंटली, और पार्टी में उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। द फादर थिंक्स दैट दे आर ग्रोइंग अप। यहाँ पर उनके इस तरह के व्यवहार को देख करके पिताजी सोचते हैं कि वाकई लड़कियाँ बड़ी हो गई है। अनफेथफुल सन, इस कहानी में एक अनफेथफुल सन का भी जिक्र आता है। द फादर रिमेंबर्स द सन ऑफ अनदर फैमिली, दैट सन वाज अनफेथफुल। जेनी और केट के पिताजी एक दुष्ट लड़के को याद करते हैं जो अनफेथफुल था। ही स्टोल द मनी ऑफ हिज मदर, उसने उसकी माँ के पैसे चुरा लिए थे, एंड अवे इन ए स्टोलन कार, और चोरी की कार में भाग गया था। द फादर थिंक्स दैट व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप दे गो आउट ऑफ कंट्रोल। पिताजी सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। टू द क्लब, पिताजी क्लब जाना चाहते हैं और दोनों लड़कियां उनको रोक लेती है। देखिए, द फादर इज अफ्रेड ऑफ हिज डॉटर, पिताजी उसकी पुत्रियों से डरे हुए हैं। वो सोचते हैं कि मैं कहीं बाहर टाइम पास करके आता हूँ। सो ही डिसाइड्स टू गो टू द क्लब एंड प्ले देयर विद एन ओल्ड फ्रेंड, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं और उनके एक मित्र है, पुराना मित्र, ओल्ड फ्रेंड मतलब बुढ़ा मित्र, उसके साथ वो खेलना चाहते हैं। ही थिंक्स दैट इट वुड बी बेटर टू कम बैक होम आफ्टर हिज डॉटर्स हैव स्लेप्ट, और वो ये भी सोचते हैं कि घर पे जब आऊँगा जब दोनों बेटियाँ सो जाएगी ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ही इज़ गोइंग एट वंस, वो घाव दिखाओ फिर जाने दूंगी। सी नोटिस दैट प्लास्टर वाज एट राइट प्लेस, फिर वो देखती है कि प्लास्टर सही जगह पे बंधा हुआ था, तब जाके उनको जाने देती है। देन सी अलाउड हिम टू गो आउट। द फादर इज हैप्पी विद द मेडिकल एंड मेटरनल एटीट्यूड ऑफ हिज डॉटर, पिताजी बड़े खुश होते हैं कि मेरी बेटियाँ देखो कितना अच्छा केयर कर रही है मेरा। ही अंडरस्टैंड्स दैट सी हैव बिकम मैच्योर्ड, ही अंडरस्टैंड्स दैट सी हैज बिकम मैच्योर्ड, वो सोचता है कि उसकी बेटियाँ जो है मैच्योर्ड हो गई है। द फादर सेज टू हिमसेल्फ सी इज ग्रोइंग अप सो आई एम, पिताजी मन ही मन में कहते हैं सी मतलब जेनी जो है बड़ी हो गई है, और मैं भी मतलब मैं भी इमोशनली बड़ा हो गया हूँ, मैं भी सही सोचने लगा हूँ। मैसेज क्या है कहानी का, द स्टोरी गिव्स अ मैसेज, कहानी में एक मैसेज है। इन द मैसेज व्हेन गर्ल्स ग्रो अप, ये है कि जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती है दे डू नॉट लाइक द कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उन्हें अपने माता पिता का कंट्रोल पसंद नहीं आता है। पेरेंट्स आल्सो शुड नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे बिकम मैच्योर एंड ग्रोन अप, माता पिता को भी उनके कार्य में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं और मैच्योर हो गए हैं, इसीलिए हमें उनके साथ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थैंक यू।